अरे लक्ष्मी, तुम इतनी सुबह सुबह? इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है? इतने सालों में हर सुबह तुम मिलने आती रही हो तुमसे। वैसे एक बात बताओ, आसमान में क्या देख रहे थे? सूरज को। सूरज में देखने को क्या है? सुबह पूरब में उगता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है, बस। जानती है तू, इतने सालों इतने वर्षों में सूरज ने न जाने कितने अच्छे बुरे दिन देखे होंगे संसार में। साक्षी रहा है वो, लेकिन इसकी चाल इसके कर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर सुबह निकलता है ये बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के, पुनः उसी ऊर्जा उसी शक्ति के साथ। सच कहा तुमने साई, सूरज को तो सब कुछ पता होगा, उसे तो वो भी पता होगा जो किसी को नहीं पता। आज साई के झोले की साफ सफाई कर देती हूँ। पूछती हूँ साई, ये कैसे वो कैसे? साई, अब तुम जो करते हो उस पे हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, अब तो मुझे बंद कर देना चाहिए। साई, वैसे ये ईंट कैसी? ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। क्षमा करना, जिज्ञासा के कारण मैंने, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था इस। ये मेरे गुरु का शगुन है। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। आइंदा मैं भी ध्यान रखूंगी साई। अगर ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए भी अनमोल है। हे भगवान, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई साई। वो जो शनि मंदिर है ना, जिसका जीर्णोद्धार गांव वालों ने मिलके किया था, वहां पर आज मूर्ति स्थापन है, तुम्हें याद था? मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू आएगी, मुझे याद दिलाएगी और फिर मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। तुम भी ना साई, आज भी तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। तुम क्या कहते हो,
मजाक कर रहे हो या उसमें कोई बात छुपी है? इतने साल बीत गए लेकिन तुम नहीं बदले। तुम ही तो नहीं बदली है, पहले की तरह ही चंचल, उतनी ही बातूनी है तू। रोज आ जाती है मेरे पास इतनी सारी बातें, ढेर सारे सवाल लेकर, पर जानती है तू, इंसान का जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात होती है। जो बातें समझ में ना आ रही हो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, पूछते रहना चाहिए उन्हें। तो साई, साई साई, मैं मधुमक्खी पालन और शहद का व्यवसाय करता हूँ और अपनी मधुमक्खियों को लेकर बहुत ही सतर्क रहता हूँ, उनकी बहुत देखभाल करता हूँ और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देता हूँ। और शहद निकालने से पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मधुमक्खियों को जरा सी भी समस्या ना हो। परंतु इस बार ये जो सत्ता देख रहे हैं ना आप, मधुमक्खियां इसमें से बाहर ही नहीं आ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की, यहां तक कि छत्ते में धुआं भी छोड़ा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यदि मधुमक्खियों को छत्ते से बाहर निकालना है तो मशाल को जलाकर छत्ते के पास लाऊं। परंतु साई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी मधुमक्खियां मर सकती हैं। सब कुछ करके थक हार गया साई, फिर आपके पास आ गया। साई, क्या आप मेरी मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए छत्ते से बाहर निकाल सकते हैं? साई के लिए कुछ असंभव नहीं है, है ना? क्या मैं रानी मधुमक्खी से बात कर सकता हूं? सही सही डंग मार देगी। कुछ नहीं होगा साई को, बस आप देखते रहिए। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये बात है, तुम्हारी बात मेरे समझ में आई है, बेफिक्र रहो तुम। Oh,
कहाँ चले गए? कर रहा है? इधर आ, मैं तुम्हें गणित सिखाता हूँ। मुझे गणित आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर सिखाना ही है तो अंटा जी को सिखाओ, वो हमेशा दुकानदारों को कम पैसे देते हैं और उनसे झगड़ा भी करते। मुझे तो लगता है कि उनको गिनती आती ही नहीं है। बहुत चतुर है ये गोविंदा। हरिओम हरिओम गोविंदा, अंता को क्या सिखाना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा, लेकिन तेरी परीक्षा तो लू, देखो तो तुम्हें कुछ आता भी या नहीं। इधर आ तख्ती लेके बैठ। ये क्या किया है साहब? हरिओम हरिओम। ये देखो, दो अधिक दो कितना होता है बताओ। भगवान, दो और दो 40 होते? अरे दो और दो होते हैं नहीं, 40 होते। कैसे? मैंने देखा था। तात्या, एक तोरण देना। आश्चर्य लगता है गांव के बच्चों को देखकर, कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तुम्हारा उद्यम भी बड़ा हो जाएगा। सही कह रहे हैं, बस मैं चाहता हूं कि वो टाटा जैसा जिम्मेदार बन जाए। चंपा, भोग के लिए खीर तैयार हुई कि नहीं? लगभग तैयार है काकी, बस मीठा डालना बाकी है। मैं अभी मीठा लेकर आती हूँ।
मीठा मैं ले आया हूं। देखो चू, ये बिल्कुल तुम पे गया है। अपनी चूक स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक मेरा केशव है, लंदन में पढ़ता है, लंदन में, लेकिन फिर भी सिर झुका के मेरी हर बात मानता है। वो इसकी चतुराई देख के तो मुझे लगता है कि इसे विश्वनाथ की तरह अधिक होना चाहिए था और तुम्हारी तरह कम। आई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कभी मामा कहते कि दो दो चार होते हैं और कभी कभी कहते कि 40 होते हैं। मैंने कब कहा 40? कल जब वो बूढ़ा आदमी ब्याज देने आया था तो मैंने किताब में देखा दो और दो के आगे कुल जमा 4 लिखा था। जब वो बूढ़े आदमी से बात करके हो गई थी ना, तभी मामा ने उसके आगे शून्य लगाकर उसको 40 कर दिया और उस आदमी से कहा कि तुम्हें 40 रुपया ब्याज देना है। हरिओम हरिओम। जो मैंने देखा वो ही मैंने सीखा। साईं, ये तुम मधुमक्खी का छत्ता लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर एक भी मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। चलो हटाओ इसे, दूर करो अपने से। बाजमा, ये मुझे तो क्या किसी को भी नहीं काटेंगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रही हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ऐसा मां, मैं इन्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मुझे यहाँ लेकर आई है। इनकी ही इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं। खिंचाई करने लगा तू? रुक, तुम्हें देखता हूं। रुको गोविंदा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर रखी है, जाओ जाकर पहले खीर खाओ, फिर जाओ जहां जाना है। जी मामी। ये क्या है? ये तो केवल तुम्हारी ही बात मानता है, जो भी कहती हो उसे पूरा करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है। वो इसलिए दौड़ के गया क्योंकि वो जानता है यदि उसने विलंब कर दिया ना तो
तो उसकी आई सब खीर खा जाएगी और उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, खाओ खाओ। आहो, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। आप पूछो। क्या हम लोग पूजा के लिए शनि मंदिर जा रहे हैं? निमंत्रण भेजा था उन लोगों ने? हाँ, शनि मंदिर का जीर्णोद्धार किया लेकिन मेरी अनुमति नहीं ली, ये आवश्यक नहीं समझा उन्होंने। लेकिन वो लोग आए थे आपके पास। अनुमति मांगने नहीं आए थे, बताने आए थे। सब श्रमदान करके जीर्णोद्धार करेंगे शनि मंदिर का। हरि ओम। जाने दीजिए ना, भगवान के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत। और आप तो शिरडी के राजा हैं, सब कुछ आपका ही तो है। हाँ, नर्मदा ये भी बता रही थी कि किसी को भी विशेष रूप से कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैंने तुम कितने भी तर्क लगा लो, कुलकर्णी वाड़े से कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। और वैसे भी शनि मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है, निषिद्ध होता है, समझी? मंदिर के बाहर खड़े रह के क्या करोगे? हरि ओम। पूरी शिरडी में पूजा में शामिल होने की तैयारियां चल रही है। सब लोग अपने ओर से कुछ ना कुछ पूजा में दे रहे हैं, केवल हमें छोड़कर। शुक्रिया रानी साहिबा। हर शिरडीवासी ने अपनी ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार में, प्रसाद आदि के बनाने में, व्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान दिया है और इसीलिए ये मक्खियां भी चाहती थी कि वो अपनी ओर से कुछ योगदान दें। इन्होंने फैसला किया कि इनके शहद का उपयोग प्रसाद बनाने में किया जाए और इसीलिए मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकल रही थीं।